हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सदिशों के प्रकार के बारे में। हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा है बल तथा गति। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे सदिशों का योग कैसे होता है। जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सदिश का क्या होता है, हम सदिश के प्रकार पढ़ चुके थे कि सदिश कितने प्रकार थे, एकांक सदिश, लंबकोणीय सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश या उसे असमान सदिश कहते थे, शून्य सदिश इत्यादि हम सदिश पढ़ चुके थे कल। तो अब हम पढ़ेंगे सदिशों का योग, फिर पढ़ेंगे सदिशों का व्यंकलन या सदिशों का घटाना कैसे होता है, व्यंकलन जिसे बोलते हैं फिजिक्स में, और फिर पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामों में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आज हम देखते हैं सदिशों का योग कि सदिश राशि का कैसे योग किया जाता है। सदिशों का योग, देखिए सदिशों का योग का आशय यह है कि सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो सदिश को हमको जोड़ना है तो सदिश के जो आगे वाला भाग होता है उसे हम क्या करते हैं, उसके दूसरे सदिश के पीछे वाले भाग से जोड़ते हैं, दूसरे सदिश के पीछे वाले भाग से जोड़ते हैं, और फिर जाके इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या होता है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इसे हम बोलते हैं परिमाणी सदिश, या इसे क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो इस तरह हम क्या करते थे, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है, तो इसे हम ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, परिमाणी सदिश। इसका ए और बी का परिमाणी सदिश क्या हो गया, ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो ऐसे हम क्या करते थे, सदिशों को जोड़ते थे। तो देखिए सदिशों को जोड़ने के लिए हम कुछ विधियों का उपयोग करेंगे, उसमें सबसे पहले विधि होती है त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। जो दूसरी विधि होती है वो होती है चतुर्भुज विधि, चतुर्भुज विधि। और तीसरी जो होती है बहुभुज विधि, बहुभुज विधि। ये हमारे पास क्या है, सदिशों के जोड़ने की तरीके हैं कि इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सदिश राशियों को जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम डिटेल से इसका डेरिवेशन सिद्ध करेंगे कि सदिश राशि का योग कर जो किया जाता है सबके लिए क्या आता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये कैसे आता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले की सहायता से कैसे हम किसी सदिश का परिमाण निकालते हैं, और चाहे तो इसकी हम दिशा भी निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। चाहे एक और फॉर्मूला होता है टेन अल्फा, उस वाला फॉर्मूला कैसे आता है, दोनों फॉर्मूले का हम डिस्कशन करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सदिशों का त्रिभुज नियम से आशय क्या है, उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। सदिशों के त्रिभुज नियम में क्या होता है कि एक सदिश हमारे पास इस तरह है और दूसरा सदिश ये हमारा इस तरह है, और इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो देखिए एक त्रिभुज बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो जब इस प्रकार का सदिशों का योग होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सदिशों का त्रिभुज विधि। और इसी का हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सदिशों का त्रिभुज विधि से सदिशों को जोड़ते हैं, और r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आता है। आगे हमारा होता है चतुर्भुज विधि। तो जो हमारे पास एक चतुर्भुज होता है और उसका क्या होता है परिमाणी, उसका विकर्ण होता है, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, विकर्ण होता है। ये हमारा आर हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी के ही इक्वल होता है। तो ये हमारा एक चतुर्भुज में हो रहा है, और चतुर्भुज में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, वो चतुर्भुज में जो हमारा रिजल्टेंट होता है वही, जो चतुर्भुज में विकर्ण होता है जो डायगोनल होता है वही क्या होता है, सदिशों का विकर्ण होता है, सदिशों का परिमाण होता है। इसलिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे चतुर्भुज विधि में। अब बहुभुज विधि में मान लीजिए कि बहुत सारा आपके पास भुजा है, बहुत सारे क्या है आपके पास भुजा है, और इन सबों के परिमाणों को निकालना। मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर आपके पास ई डी है, वेक्टर आपके पास ई है, और वेक्टर आपके पास क्या है, ये एफ है। तो इन सदिशों मान लीजिए हम पूछे कि वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट क्या होगा, तब बोलेंगे वेक्टर ए और बी के क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट है। मान लीजिए हम ए बी का ना पूछ के आपसे पूछे कि बताइए कि ए और सी का क्या होगा रिजल्टेंट, ए और सी का क्या होगा, तब बताएंगे ए और सी का, तो ए आया बी आया सी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मान लीजिए इसके बदले हम इसको पूछ लेते हैं, चाहे मान लीजिए इन दोनों का ही हम पूछ लेते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए, तो इन सबको ले लीजिए या तो इन दोनों को ले लीजिए, इन सबको ले लीजिए ना तो इन दोनों को ले लीजिए, तो किसके इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वेक्टर ए और ई के रिजल्टेंट के बराबर। तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे r इज इक्वल टू वेक्टर e प्लस वेक्टर f, ये सबको ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d, तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो बहुभुज विधि द्वारा इसे हम जोड़ेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज की, सदिशों का त्रिभुज विधि द्वारा कैसे योग किया जाता है, और उसके बाद इसके द्वारा फॉर्मूला जो हमारे पास है उस फॉर्मूले का निरूपण करते हैं कि कैसे आया हुआ है सदिशों के त्रिभुज विधि का। सबसे पहले हम एक देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर a है,
वेक्टर आपके पास कोई ए है और ये आपके पास वेक्टर क्या है बी है, और इसे हम जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, एक रिजल्टेंट खींच रहे हैं जो हमारा क्या है आर है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेंगे, माना वेक्टर ए का परिमाण ए है तथा वेक्टर वी का परिमाण ओनली बी है, और आर का जो वेक्टर आर है का परिमाण आर है, ए बी और आर है। मान लेंगे इसको आप, मान लेंगे कि माना ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने कि वेक्टर जो है उसका परिमाण ए है, वेक्टर बी है उसका परिमाण बी है, और वेक्टर जो आ रहा है उसका परिमाण कितना है, ओ केवल ओनली आर है। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गए, इन तीनों को हम जोड़ दिए थे, क्या हो गया हमारा त्रिभुज बन गया। तो मान लीजिए आपके पास ये ए भुजा है और इससे हम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ओनली, अब ये हमारा इसका परिमाण ए है, इसका आर है, और ये हमारे पास क्या है बी है। मान लीजिए जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं हम मिला देते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, थीटा एंगल, मान लीजिए कि थीटा एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है थीटा एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, चाहे यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा चाहे यहाँ पे थीटा एंगल बनता है। और जो हमारा ए है और ये हमारा क्या था वेक्टर वी था, ये हमारा कैपिटल का बी है, और यहाँ मान लीजिए कि आपके पास डी है, और ये आपके पास क्या है सी, ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, समकोण ट्रायंगल। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सदिशों का योग करना है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये किसके इक्वल होगा। अगर हम इसको और इसको फाइंड कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर आप पढ़े होंगे क्लास टेंथ में अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे या क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप पढ़ते हैं आप लोग कि जब आपके पास एक देख रहे हैं आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल जब ट्रायंगल बना हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है लंब बटा कोण के इक्वल होता है, लंब बटा कोण के इक्वल होता है। फिर जो आपका कॉस थीटा होता है वो आधार बटा कोण के इक्वल होता है, लाल बटा काका आप पढ़ाए होंगे, लाल बटा काका आधार बटा कोण के इक्वल होता है, लास्ट वाला जो टेन थीटा होता है किसके इक्वल होता है आपके पास लंब बटा आधार के इक्वल होता है। तो ये आपके पास होता है लंब बटा में कोण। तो अगर हम क्या करते हैं पहले वाले में यहाँ पे जो आपका थीटा एंगल बना है हमको अगर आधार फाइंड करना, मतलब डीवी की वैल्यू फाइंड करनी है, डीवी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कॉस थीटा लेते हैं, और बीसी की वैल्यू फाइंड करना है मतलब लंब पता करना है तो हम क्या कर लेते हैं, कहेंगे हमको कोण पता है तो कोण यहाँ पे हमको नीचे वाला पता है और कोण यहाँ पे नीचे वाला पता है, हमको लंब नहीं पता है इसका लंब कितना है और हमको यहाँ पे इसका आधार नहीं पता है कि इसका आधार कितना है। तो इसको अगर हमको फाइंड करना है तो इसे मान लेते हैं अभी टी एंगल ले लेते हैं, इस टी एंगल को ले लेते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ट्रायंगल है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो ये आपके पास यहाँ देखिए बी सी डी में, बी सी डी में हम ले लेते हैं क्या थी कॉस थीटा या साइन थीटा, जो भी आपको लेना ले सकते हैं, इसको पहले फाइंड कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आपको बताया गया, कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे आपको बताया गया साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार के इक्वल होता है, सॉरी लंब बटा कोण के इक्वल, और जो आपके पास कॉस थीटा होता है वो आधार बटा कोण के इक्वल होता है, ठीक है। तो लंब देखिए इतना ध्यान से हमको क्या लेना है, पहले कॉस थीटा होता आधार, आधार क्या है हमारे पास डीवी है, तो यहाँ हो जाएगा डीवी और अपान में, अपान में हमारा कोण, कोण क्या है आपको देखिए कोण यहाँ पे क्या लिखा है आपको सीडी, कोण क्या है यहाँ पे सीडी, कोण क्या है आपके पास सीडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू, डीवी इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सी डी, सी डी का वैल्यू कितना है बी है, तो क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये क्या निकल गया हमारा डी वी का वैल्यू निकल गया, मतलब ये हमारा कितना हो गया बी कॉस थीटा। अब इसी तरह हम क्या लेते हैं इसी टी एंगल में कौन सा क्या चीज़ ले लेते हैं साइन थीटा, तब ले लेंगे टी एंगल बी सी डी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। तो जो लंब हमारे पास है वो लंब आपको दिख रहा है क्या है बी सी है, तो लंब बी सी और कोण हमको लेना है, कोण क्या है हमारे पास सी डी है, कोण क्या है सी डी, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए बी सी, बी सी आपको फाइंड करना है तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू सी डी, और सी डी का वैल्यू कितना है बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा, बी साइन थीटा,
ये चीज समझ गए होंगे आप, बी साइन थीटा है। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, ये हमको आ गया डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस हमको निकल गया बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आपके पास एक राइट एंगल टी एंगल बन रहा है, और राइट एंगल टी एंगल में एक प्रमेय होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी राइट एंगल टी एंगल में कर्ण पे बना हुआ वर्ग जो सामने ऊंची होती है, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो कोण पे बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने हुए वर्ग के युगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज अब एक मिनट देखिए, अब यहाँ से हम टोटल ले लेंगे, ये जो हमारा बना हुआ है यहाँ से अगर हम क्या करते हैं टोटल लेते हैं ए बी सी, यहाँ से क्या बन रहा है राइट एंगल टी एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है राइट एंगल टी एंगल। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे, क्या लेंगे ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पे बना हुआ वर्ग, कर्ण पे बना हुआ वर्ग मतलब आर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बना हुआ तो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ए सी का स्क्वायर बराबर ये आपका क्या दिख रहा है ए बी का स्क्वायर। अब ए बी में देखिए दो चीज़ है, ए प्लस डी है, ए डी है, और क्या है आपके पास बी डी है, ए डी है और बी डी है, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा ए बी। ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पहले लंबे लिखना चाहें तो लंब भी लिख सकते हैं, लंब हमारा क्या है बी सी, बी सी का स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास क्या है ए बी। ऐसा भी नाम कौन कर सकते हैं ए बी सी, या जैसे आप कह रहे हैं उसे इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर और बी सी। बी सी देखिए बी सी आपके पास है यहाँ पे, ठीक है बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कर लेंगे इन दोनों का स्क्वायर, मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे ए बी है, तो ए बी में दो चीज़ दिख रहा है ए आप प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर, आर का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या कहीं कहीं इसी को लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से आगे ए प्लस बी का यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं और दिख रहा होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर, कास स्क्वायर ठीक ठाक, और उसके बाद हो जाएगा टू ए बी। तो ये हो जाएगा टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या दिख रहा है आपको बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको बी स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ आर स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास बीच में ए है तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, इन दोनों हम कॉमन किए हैं क्या बी स्क्वायर। यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला, त्रिकोणमिति में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन होता है, क्लास टेंथ की फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इन दोनों को पास में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन, तो ये बी इंटू वन करेंगे तो कितना होगा बी स्क्वायर इंटू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देते हैं आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ हमारे पास आगे हो जाएगा आर बराबर, देखिए इधर आर का स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, इसको हम पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर, फिर इसको लिख लेते हैं बी इंटू वन, बी स्क्वायर इंटू वन कितना होगा बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो जस्ट पहले हम फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे भी कैसे दो सदिशों को त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ के, आप समझ गए, आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि
आप कैसे दो त्रिभुज दो सदिशों को त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ के उनका परिमाण निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी एकदम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अगर पता होगा आर इजिकल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तब आप यहाँ से फाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आपको इतना लंबा क्या करना पड़ा, लंबा चौड़ा सवाल करना है। ये हमारा निकल गया परिमाण, चूंकि हमको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सदिश राशि। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सदिश राशि। सदिश राशि के पास क्या होता है, दिशा प्लस परिमाण होता है। तो हम तो परिमाण निकाले, अभी हमारे क्या बाकी है, दिशा बाकी है। अब दिशा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेन थीटा का। दिशा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेन थीटा का। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेमेस्टर के एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके पास बनता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिएगा, क्या कि क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखा गया है और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के एग्जाम में बनेगा भी। इसका भी व्याकरण पूछ ले या आपके पास संकलन पूछ ले। ये आपका क्या था, सदिशों का योग, योग का क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। योग का क्या बोलते हैं, योग को क्या बोलते हैं, संकलन। घटाओ या घटाना को हम क्या बोलते हैं, व्याकलन बोलते हैं। और सदिशों का गुणनफल होता है दो प्रकार का होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। आगे हम लोग बात करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं सदिशों का कैसे आप दिशा फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए यही चीज़ है, इसकी दिशा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए कि आगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, आगे हम देखते हैं कि इसका हमको दिशा कैसे फाइंड करना होगा। नोट्स बना के पढ़िए बढ़िया से, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ प्रोग्रेस हो चुके, वो भी बढ़िया से बढ़िया मार्क्स अपने सेमेस्टर के एग्जाम में लेके आए। अब देखिए यही हमारे पास है, इसका हम तो परिमाण निकाल लिए कि इसका परिमाण कहाँ होगा। अब हम दिशा कहेंगे, हम तीर नहीं बनाए इसमें, कहीं भी नॉर्मल हम बना के छोड़ दिए हैं, तो तीर बनाएंगे तो पता चलेगा तीर के हिसाब से क्या इसकी दिशा है। और ऐसे नॉर्मल क्या है, इसका परिमाण को व्यक्त कर रहा है, तो हमको इसका दिशा नहीं पता है। तो दिशा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे और एंगल के लिए भी हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। देखिए तो दिशा के लिए हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो बना है एंगल कितना है, अल्फा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हम बताएं कि दिशा के लिए किसका लेते हैं, हम टेन थीटा को लेते हैं। तो ये हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। देखिए लंब कितना निकला हुआ है आपके पास, लंब निकला हुआ है बी साइन थीटा। और आधार आपके पास क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप याद रखिएगा इसको कि दिशा अगर कोई फाइंड करने के लिए बोलता है तो टेन अल्फा इजिकल टू या ओनली अल्फा इजिकल टू टेन इनवर्स। टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लॉट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन ब्रैकेट बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या होता है, किसी भी सदिश दो, जब किसी सदिशों को हम कैसे जोड़ते हैं, जब दो सदिशों को त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ते हैं तो उसके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दिशा निकाल सकते हैं। और उसका अगर परिमाण कोई पूछता है तो आर इजिकल टू, अभी हम फॉर्मूला सिद्ध कराए हैं कि आर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे आप इसका परिमाण निकाल सकते हैं और ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, इसका दिशा निकाल सकते हैं। तो किसी भी सदिशों का आपको दो चीज़ चाहिए, एक परिमाण चाहिए और एक आपके पास क्या चाहिए, दिशा चाहिए। अब आगे देखिए, दो चीज़ आपको अगर निकाल लिए तो आगे हम देखते हैं सदिशों का एक और विधि थी जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल मेथड, जिसे हम बोलते हैं चतुर्भुज विधि। दो सदिशों को चतुर्भुज विधि द्वारा कैसे जोड़ा जाता है। तो त्रिभुज विधि द्वारा आप इसकी दिशा निकाल सकते हैं और इसे आप क्या कर सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चतुर्भुज विधि। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज विधि पे। क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया है वेक्टर ए इजिकल टू टू आई कैप प्लस प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री, यहाँ पे आपको दिया थ्री जे कैप जे कैप। और वेक्टर वी इजिकल टू दिया है बी इजिकल टू आपका दिया है मान लीजिए कि फोर आई कैप और यहाँ पे आपके पास दिया है तीन जे कैप। चाहे यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए कितना दिया आपके पास, पाँच जे कैप, हाँ पाँच जे कैप। तो बोला है कि बताइए ए और प्लस बी, ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी का परिमाण है तो दो ए प्लस बी का परिमाण बताइए कि ए प्लस बी का परिमाण कितना होगा, ए प्लस बी का परिमाण कितना होगा। तो अब जस्ट तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी का परिमाण निकालने के लिए कि ए और बी प्लस बी का हम परिमाण कैसे फाइंड करेंगे। तो ए प्लस बी का परिमाण अगर आपको फाइंड करना है
ए और प्लस बी का परिमाण फाइंड करना है तो पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, टू और फोर कितना है, सिक्स आई कैप प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पाँच तीन आठ जे कैप, पाँच तीन आठ जे कैप। तो यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बी का हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस बी का हम परिमाण निकालेंगे। तो ओढ़नी में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा छः का स्क्वायर छत्तीस और आठ का स्क्वायर चौंसठ, और यहाँ पे आई इंटू जे कराते हैं तो कितना होता है, अगर आपको पता होगा अगर दो बार लिखा गया था आई इंटू आई और आई इंटू, अगर आपको पता होगा कल हम एक चीज़ बताए थे आपको पास लंबकोणीय सदिश, एकांक सदिश के पास डिस्कस किए थे लंबकोणीय सदिश के बारे में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर आई कैप होता है, क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम में पढ़े होंगे अगर ट्वेल्थ पढ़ के आए होंगे तो, और वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस पर जे कैप होता है और जेड एक्सिस पर के कैप होता है। तो के कैप होता है, तो जब देखिए अगर सेम परिमाण में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आई इंटू आई कराते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, लेकिन अगर आई का इंटू किसे कराते हैं, के से कराते हैं, आई आई का इंटू किसे कराते हैं, जे का कराते हैं, तो उस स्थिति में इनका वैल्यू कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा छः का स्क्वायर कितना है छत्तीस और ये आठ का स्क्वायर कितना है चौंसठ। तो वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण कितना हो जाएगा, वेक्टर ए और प्लस ए ए प्लस बी का परिमाण कितना हो जाएगा, सो यहीं से हमने यहाँ लिखा है टू ए बी का थीटा का वैल्यू, थीटा भी नहीं दिया और टू ए बी का थीटा टू ए बी कराएंगे तो आई इंटू आई जे कराएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, इसी वजह से इसको हमने लिखे हैं छत्तीस प्लस चौंसठ कितना हो जाएगा सौ, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना दस। तो वेक्टर ए प्लस बी का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, दस मात्रक होगा, यूनिट याद रखिएगा इसका यूनिट कुछ नहीं होता इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसका दस मात्रक, इसका जो मात्रक आएगा लास्ट में क्या लिखेंगे, मात्रक जब लिखेंगे दस मात्रक। तो ए प्लस बी का आप ऐसे क्या कर सकते हैं परिमाण निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था कि ए प्लस ए और बी दो को वेक्टर दिया, इन दोनों का एक साथ क्या पूछ रहा है आपसे, परिमाण पूछ रहा है, दिशा अगर कोई इसी का दिशा पूछ दे तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टेन अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा बटा में बी साइन थीटा बटा में निकाल सकते हैं ए प्लस बी का थीटा, यही आपका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अल्फा इजिकल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी का थीटा, आप इसे फॉर्मूला क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं चतुर्भुज विधि कि चतुर्भुज विधि से हम कैसे दो सदिशों को जोड़ते हैं। देखिए चतुर्भुज विधि में, तो चतुर्भुज विधि के लिए याद रखिएगा आपके पास अगर मान लीजिए दो सदिश दिया है, ये मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर और ये आपके पास एक वेक्टर ऐसे दिया है, ये वेक्टर आपके पास ए है और ये आपके पास वेक्टर क्या है बी है, ये आपके पास क्या है वेक्टर बी है और इन दोनों का जो परिमाणी है उनका क्या है इनका बिकोण है, इन दोनों का जो परिमाणी है क्या है इनका बिकोण है, इन दोनों को मिला देते हैं हमेशा, इन दोनों का जो परिमाणी है वो क्या है आपके पास बिकोण है, इन दोनों का परिमाणी क्या है बिकोण। तो फिर वही चीज़ मान लेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये आपके पास आर है वेक्टर आर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो फिर मान लेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी और वेक्टर आर इजिकल टू सिंपल आर, इन सब का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर ए का रिजल्टेंट आपके मान लीजिए कि क्या है आपके पास ए है, वेक्टर बी का रिजल्टेंट आपके पास बी है, वेक्टर आर का रिजल्टेंट क्या है आपके पास आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली बी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ओनली आर हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ओनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा। तो जब ये स्थिति दी होगी तो फिर लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए और इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका पैरेलल ये खींचना है कि एक इसका इक्वल क्या हो जाए ये वाली लाइन हो जाए, फिर से एक बार फिर से फिगर इसका बनाते हैं बढ़िया से, ये आपके पास कोई लाइन है और यहाँ पे इसे डॉटेड कोई लाइन है और ये आपका कोई वेक्टर बी है और ये आपके पास डॉटेड लाइन है इसके पैरेलल, ठीक है, और ये इसके कहा गया है पैरेललोग्राम होता है ये, इसीलिए इसके पैरेलल ये इसको खींचे और इसके पैरेलल इसको खींचा गया, ये आपके पास कोई आर है और ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है, वेक्टर था तीनों का रिजल्टेंट हम लिखे ए बी और ये आर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा बी के इक्वल और ये इसके ए के इक्वल हो जाएगा और रिजल्टेंट आपके पास ये है। तो देखिए फिर इस लाइन को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा आगे और फिर इस लाइन को मिला देंगे, फिर यहाँ पे एंगल बनेगा, फिर सेम वही त्रिभुज वाली कहानी बनेगी और फिर इससे वही फॉर्मूला आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सेम। चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं इसी फॉर्मूले से फिर से एक बार, तो ये हमारे पास आर हो गया, तो फिर हम मान लेंगे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है और बीच में क्या लिखे हैं यहाँ पे डी है, ठीक है डी, तो फिर ट्रायंगल ले लेंगे हम कौन सा बी सी डी, तो ट्रायंगल यहाँ पे ले लीजिए फिर से ट्रायंगल बी सी डी, चलिए हम उस समय फाइंड किए थे इस कितना आया था, ये आया था हमारा बी कॉस थीटा
ये हमारा आया था डिस्टेंस कितना, ये हमारा डिस्टेंस आया था b sin थीटा। और इसको हम क्या कर रहे थे, इसके तुलना कर रहे थे, फिर यहाँ पे बन रहा था क्या राइट एंगल टी एंगल। और अब टोटल हम लेंगे यहाँ से क्या बना, यहाँ तक देखिए राइट एंगल टी एंगल बनाया, तो ये कौन सा टी एंगल ले लेंगे, टी एंगल ए बी सी में, टी एंगल ए बी सी लेंगे। तो टी एंगल ए बी सी में क्या लेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के पश्चात जब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के पश्चात आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट आपके पास इक्वल है, और ये आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास लंब है, और ये वाला आपके पास क्या है, आधार है। ये टोटल आपके पास क्या है, आधार, आधार मतलब ए प्लस डी और फिर क्या थी बी डी, दोनों क्या है मिलके आधार है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कोण का स्क्वायर मतलब, ये आपके पास कोण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर माने आर का स्क्वायर, और फिर ये देखिए बी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है हमारे पास बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी ए मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब आधार का स्क्वायर। तो आधार में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा मतलब टोटल आधार है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आर इजिकल टू जस्ट वही से निकाले थे, ये हमारा हो जाएगा आर इजिकल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर ही ले लीजिए, यहाँ पे अभी यहाँ पे अंडर रूट बाद में लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इतना आप तो पहले ही समझ चुके थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन इसमें और इसमें कॉमन क्या है बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा पहले हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बाद में हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का, यहाँ पे ए स्क्वायर है और आपके पास, और यहाँ पे ए स्क्वायर के बाद क्या है टू ए बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा आर इजिकल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या इतना वन होता है, तो वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को याद रखिए। और दिशा निकालना है तो वही सेम निकालेंगे टेन अल्फा, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है अल्फा बनता है, सेम ऊपर के लिए भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इक्वल इसके इक्वल है और ये वाला लाइन इसके इक्वल है, सेम कहानी होगी इसके लिए भी। मतलब कहने का मतलब यही है कि यदि दो सदिशों को हम जोड़ते हैं, आज तो हम पढ़ लिए जोड़, और कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में कि दो सदिशों का कैसे हम आपस में कटाते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में कि दो सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, जिसे आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड।